आयोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। इस खबर के प्रायोजक हैं वसीम अहमद सिद्दीकी, भावी उम्मीदवार, ग्राम प्रधान सराय छबीला। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनेहरा से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्युत उपकेंद्र अहमदगढ़ से संबंध गांव खैलिया, कल्याणपुर, रिवाड़ा, ढकनगला, दतियानी आदि के किसान उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए थे, परंतु अधिकतर उपभोक्ताओं के बिलों व बिजली मीटरों में गड़बड़ी के चलते बिल अधिक आ रहे हैं। अधिकतर उपभोक्ताओं के घरों पर बिजली के मीटर का न लगा होना, बिजली के मीटरों में गड़बड़ आदि की समस्या, विद्युत खपत से अधिक लोड का कनेक्शन होना आदि समस्याओं को लेकर किसान शक्ति ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा और कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत लोड के अनुसार कनेक्शनों में सुधार करते हुए बिजली के बिलों का शुद्धिकरण किया जाना अति आवश्यक है। जनहित में इस मांग के साथ उपभोक्ताओं की यथाशीघ्र समस्याओं का निवारण हो, सभी को 10 दिन के अंतर्गत हल न होने पर भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति धरने पर विवश होगी। ज्ञापन देने में बिट्टी गौड़ उर्फ कुंवरदीप गौड़, गजेंद्र चौधरी, राहुल सिंह, चंद्रपाल सिंह, कुमार पाल, मुन्नी नेपाल सिंह, बिल्लू कुमार आदि किसान मौजूद रहे। जो बिजली के कनेक्शन फ्री कनेक्शन हुए थे उन उपभोक्ताओं के यहाँ ज्यादातर के यहाँ तो बिजली का मीटर ही नहीं है, और यदि मीटर है तो मीटर खराब। और बहुत उपभोक्ता इस तरह के हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, एक एक कमरा है उनका या झोंपड़ी है, उसमें एक एलईडी बल्ब जलता है और बिल जो आता है वो आता है 108 यूनिट के हिसाब से, यहाँ से जुड़ के जाता है। तो एक एक उपभोक्ता का जो बिल है लगभग 50-50 हज़ार के करीब है। तो हम यहाँ अपनी मांग रखने आए थे कि वहाँ इनमें एक तो जहाँ मीटर नहीं है वहाँ मीटर लगा दिया जाए, और मीटर यदि ख़राब है तो मीटर ठीक कर दिया जाए। दूसरा, यदि किसी उपभोक्ता के यहाँ लोड कम है तो कम लोड के हिसाब से उसका कनेक्शन किया जाए। जो उसका लोड कम होने के बावजूद भी 2 किलोवाट का बिल है उसका, वो कनेक्शन है। चिंता है बिजली विभाग की, ये उदासीनता है। ये क्वेश्चन तो आपको हमारे एसडीओ महोदय से करना चाहिए कि ये पीडी हो जाती है तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दूसरा, कुछ इस तरह के किसान भी हमारे जैसे जो किसान बुजुर्ग हो गए हैं और उनका ट्यूबवेल का जो बोरिंग था एसडीओ साहब वो फेल हो गया, और उन्होंने अपना कनेक्शन कटवाने के लिए यहाँ प्रार्थना पत्र दे दिया और टोटल बिल जमा कर दिया। उसके बाद 4-6 महीने बाद फिर उपभोक्ता के पास बिल पहुँच जाता है कि आपका अभी कनेक्शन कटा नहीं है और ये बिल आपका आया। फिर उपभोक्ता परेशान हो जाता है और आपके यहाँ दर दर की ठोकरें खाता है, और फिर ये कहा जाता है कि आपके यहाँ जेई जाएंगे, जेई रिपोर्ट लगा के देंगे, तब आपका कनेक्शन कटेगा। तो आपसे हमारा विनती है कि जो लोग ट्यूबवेल का कनेक्शन है और ट्यूबवेल का बोरिंग फेल हो गया है और बिजली यूज नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पूरा बिल जमा आपका कर दिया है, तो उनका कनेक्शन काट दिया जाए। जो है वैसे तो आप देख रहे हैं जब से ये छूट का जो कार्यक्रम चला है विद्युत विभाग द्वारा, इसमें तमाम तरह की क्राइसिस सामने आ रहे हैं लोगों के कि कहीं एक जगह तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता का मीटर जहाँ लगा हुआ है वो जंप कर रहा है। ये 15-15 दिनों के जो मीटर जंप किए हुए मीटर हैं और उनके 15-15 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये तक 48 हज़ार रुपये का तक का बिल है। मेरे पास में प्रमाण है इस चीज़ का कि 15 दिन का कनेक्शन जो सप्लाई पिछले महीने का भुगतान उसका पूरा है, उसके बाद में 15 दिन के अंदर बिल आया है 45 हज़ार रुपये। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि क्राइसिस विभाग की उदासीनता को ले के चलते हैं, और विभाग के अधिकारियों को सजग करना एक जागरूक उपभोक्ता की जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने ज़रूरतों के अनुसार उनको बार बार सचेत करें, उनको सजग करें। परंतु कई एक बार ऐसा है कि कहा सुना सब बेकार हो जाता है और अधिकारी, विभागीय अधिकारी उसको इग्नोर कर देते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।